तो यार आजकल मेरे को इंस्टाग्राम पे ये मैसेज सबसे ज्यादा आ रहा है कि सर मैं सिलेक्ट हो गया हूँ सेमीफाइनल के लिए ऑडिशन में, या फिर मैं सिलेक्ट हो गई हूँ ऑडिशन में सेमीफाइनल के लिए। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि यार मेरे को इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये रियल है या फेक है। वहीं कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सर ये हमसे 5,000 रुपए मांग रहे हैं, कोई मुझसे 25,000 रुपए मांग रहा है ऑडिशन के बाद जब मैं ऑडिशन क्रैक कर चुका हूँ। और आजकल एक नया महेश भट्ट वाली इमेज के साथ भी कुछ चल रहा है ऐसा, कि मतलब ऑडिशन हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे और वो हर किसी को ही सेमीफाइनल में डाल रहे हैं, मतलब चाहे उसके लुक्स हो या ना हो, चाहे उसकी हाइट हो या ना हो, हर कोई सेमीफाइनल में जा रहा है उसमें, और उसके बाद वो उससे पैसे मांग रहे हैं। तो आज इस चैनल पे जिसका नाम है पुनीत त्यागी, मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ इस चीज से रिलेटेड कि ये जो ऑडिशन है ये रियल है या फेक है। इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, और अगर जो आपके भी दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं 1-on-1 आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और अगर तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो यहाँ पर मैं मेंस फैशन फिटनेस और ग्रूमिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाकी बिना किसी विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर जो मैं मुद्दे की बात करूं तो यार ये चीजें होती कैसे हैं, आपको या तो आपके इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे या फिर आपके पास कहीं मैसेज आएगा या आपके पास कहीं कॉल आएगा, वो आपको बोलेंगे कि एक ऑडिशन है मिस्टर इंडिया मिस इंडिया मिस ये वो एक्स वाई जी करके कोई भी टाइटल देके उसको, और उसमें वो आपको बोलेंगे कि हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है 2,000 रुपए 3,000 रुपए 4,000 जितनी भी है। पहली बात तो वो सिर्फ आपकी फोटो सिलेक्ट करके बोल देंगे आप सेमीफाइनल में हो, मतलब सिर्फ फोटो के बेस पे आपकी 4 फोटोज 5 फोटोज के बेस पे आपको बोल देंगे आप सेमीफाइनल में हो, और वो हर किसी को सेमीफाइनल में डाल देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं, उसके बाद वो की तारीफ करेंगे, वो बोलेंगे कि बिल्कुल आप जो हो बिल्कुल परफेक्ट हो हमारे शूट के लिए हमारे मॉडलिंग एजेंसी के लिए, लेकिन आपको अभी ग्रूमिंग की जरूरत है और एक पोर्टफोलियो की जरूरत है, तो आपको वो चीज पहले करनी पड़ेगी जिसके लिए आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे या 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, 10,000 जो भी अमाउंट वो चार्ज करते हैं। और उसके बाद वो बोलेंगे कि यार हम आपको प्रमोट भी करेंगे, हम आपको प्रमोट करेंगे मॉडलिंग एजेंसीज में, आप नए नए शूट्स करोगे। कि जब अमिताभ बच्चन अपने लड़के अभिषेक बच्चन को प्रमोट नहीं कर पाया तो यार हम और तुम तो बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं, अगर जो आपके पास स्किल्स नहीं है, टैलेंट नहीं है, फेस कट नहीं है, फिजिक नहीं है, हाइट नहीं है, मतलब अगर जो आपके पास कोई चीज नहीं है तो यार रियलिटी बता रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता है। बिना बात हर किसी को पैसे देके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपको। अब यहाँ पर आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि यार आपका आपको करना क्या है, मतलब आपको मॉडलिंग एज अ पैशन करना है, जस्ट कि आपको ड्रीम है और आपको एक और रैंप चल के देखना है, आपको देखना है कि शूट होती कैसी है, या आपको अपना करियर बनाना मॉडलिंग का। तो अगर जो आपको एक ड्रीम है कि आपको मॉडलिंग करनी है रैंप करना है, तो भाई मैं बोलूंगा कि ठीक है आप पेजेंट में 2,000-3,000 रुपए दो, एटलीस्ट आपका एक ड्रीम पूरा हो जाएगा कि आप रैंप करके देख लो कि रैंप होता कैसा है, रैंप पर चल के फील कैसा होता है। लेकिन अगर जो आप सोच रहे हो कि आपको मॉडलिंग में करियर बनाना है, तो भाई मैं तुम्हें रियलिटी बता देता हूँ, यहाँ पर कोई एक्सपोजर नहीं है, आपसे पैसे भी ले लेंगे, आपका पोर्टफोलियो भी बना देंगे, एक छोटा मोटा कोई फ्लिपकार्ट का या फिर कोई ऐसा ब्रांड शूट भी दे देंगे आपको, बट उससे आपको कोई एक्सपोजर नहीं मिलने वाला है, आपको मॉडलिंग में ऐसी आपकी कोई रास्ता आसान नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगा कि और वो ये है कि आपका पैसा बढ़ेगा। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, बस रियलिटी बता रहा हूं कि अगर जो आप इस पेजेंट को जीत भी जाते हो तो आपको कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलने वाला, आपको कोई काम नहीं मिलने वाला है। मॉडलिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपका खुद का दोस्त भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये चीज मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूं जो मेरे साथ हुई थी। एक ब्रांड था जिसको 3 बियर्ड मॉडल्स की जरूरत थी, मेरे खुद के दोस्तों ने मेरा नाम नहीं लिया, तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि यार अगर जो ब्रांड को मेरी बियर्ड या मेरी लुक उनसे ज्यादा अच्छी लगी तो हो सकता है नेक्स्ट शूट में उनकी जगह मेरे को वो प्रेफरेंस दे। मॉडलिंग में यहाँ पर हर किसी को आपस में डर लगता है कि कहीं ये मेरा काम ना खा जाए, राइट, कहीं ऐसा ना हो कि ये इसकी लुक उनको ज्यादा पसंद आ जाए और इसको काम मिलने लग जाए और उनको काम बंद हो जाए मिलना। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है जो आपकी हेल्प कर सकता है और वो हो खुद आप। यानी कि अब आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपनी फिजिक पे मेहनत करनी है, अपने फेस कट पे मेहनत करनी है। जो आप ये पैसे लगा रहे हो इधर उधर पेजेंट्स में ऑडिशंस में, उसको सेव करके अगर जो आप अच्छे स्टाइलिस्ट कपड़े लोगे, आप अच्छे अच्छे प्रोटीन्स लोगे, अच्छे जिम में जाओगे, तो यार हो सकता है आपको काम मिलना शुरू हो जाए जब आपकी लुक अच्छी ग्रूम्ड हो जाएगी, अच्छी लुक हो जाएगी, देखने में चिजल्ड फेस हो जाएगा। अगर जो आप मॉडलिंग मटेरियल बन जाओगे तो आपको मॉडलिंग में काम मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं भी सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। अब कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं सर मुझे काम दिलाओ, तो यार मैं काम नहीं दिला सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। अब इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि यार ये सब कुछ चीजें मिलेंगी आपको एक फेक ऑडिशन के अंदर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रियल नहीं होते हैं, कुछ रियल होते हैं 4 से 5 के, मैं आपको नाम बता देता हूँ, लड़के लड़कियों दोनों के लिए है ये, और आप इसको कहीं लिख भी सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जोन जोन से मैं आपको पेजेंट्स बता रहा हूँ, इनको आप
इंस्टाग्राम पे सर्च करो और वहां पर फॉलो कर लो, और गूगल पर जाके इनकी वेबसाइट से अपडेटेड रहो। तो जो पहला नाम है वो है मिस्टर इंडिया पीटर इंग्लैंड, दूसरा है रूबरू, फिर आता है मैन हंट, फिर आता है ग्लैडर एग्स, फिर आता है लड़कियों के लिए मिस फेमिना। तो यार ये वो जेन्युइन ऑडिशंस हैं, ये वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप तैयारी करके जा सकते हो। और अगर तो यहां पर आपको अच्छा पोजीशन मिलता है तो आपको एक बहुत अच्छा पुश मिलेगा मॉडलिंग में। यही सजेस्ट करूंगा कि इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको पता चल जाएगी इनका ऑडिशन होने कब हुआ। अगर जो ये वीडियो आपको जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो यार मैं कहूंगा आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और साथ में अगर जो आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ कमेंट में मुझे ये भी बता देना कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। अब ये वीडियो आपको शेयर करनी है अपने उन सब दोस्तों के साथ जो कि आपको लगते हैं मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर मॉडलिंग मटेरियल हैं, और साथ ही साथ उन एजेंसीज के साथ, उन सारे ऑडिशंस वालों के साथ जो आपसे पैसे मांगते हैं, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मैं आपको अवेयर करता रहूंगा बहुत सारी नई नई चीज़ों से, चाहे वो मॉडलिंग की हो, फैशन की हो, फिटनेस की हो, ग्रूमिंग की हो, मैं आपको करता रहूंगा अपडेट हर एक चीज़ से। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।